सीने पे जो हमारे हैं आइसोलेशन ने फिर उभारे हैं, ये कोरोना की ही तो साजिश है, कुछ बेचारे अभी कवारे हैं। कोई शादी होती नजर नहीं आ रही। आ रहे वैसे चौधरी, आने वाला सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खैर, ये आज क्या हुआ है सर? कलर आपके पास कोई ऐसा रंग नहीं था जो आप भी पहन लेते, लेकिन आज तो आप ही प्यारे लग रहे हैं वासिफ भाई। मैं तो रोज लगता हूँ। आप रोज लगते हैं? वो शीशे चेंज ही लगता है। वासिफ भाई एयरपोर्ट फिर रहे ने। अच्छा, मैं कहा किधर? कहते जहाज खराब होया, उन्होंने धक्का लाना है। ट्रेन दे ड्राइवर नु पुछी जान दे ने दी किक किथे हुंदी। नहीं नहीं, सियासतदान है। अच्छा, पिछली दफा इलेक्शन में खड़े हुए थे और पोस्टर पे अपना नाम ही नहीं लिखवाया। क्यों? मैं क्या, आपने पोस्टर पे नाम क्यों नहीं लिखवाया? कहते जी मैं पब्लिक में शो नहीं होना चाहता। अपने छोटे भरा दे कान बढ़ते। मैं क्या, क्यों बड़े? कहते जो किसी की गल ही नहीं सुनने ऐसे कन्ना का क्यों फायदा? कल फ्रूट लेने गए, कहते दो दर्जन केले देने तो नाल धनिया पा दे। सर इन्हों चिराग लिया वासे भाई इन्हें एनके रगड़िया तो जे निकले। कहते क्या हुक्म है मेरे आका? कहते कोरोना का कुछ कर। जिन कहता इस डर तो मैं इटली इतने सट हो। बढ़िया, जबरदस्त कॉमेडी कर रहे हैं कैसर पिया साहब। जी सर। तो मैंने आप तीनों के लिए आज खास तौर पे एक मेहमान को बुलाया हुआ है। अच्छा। बिल्कुल, आप ही के शोबे से ताल्लुक है उनका, और उसके अलावा हम उनको राइटर और एक्टर और डायरेक्टर के तौर पे भी देखते रहे हैं। आप सबकी तालियों बनाते हैं एक सबसे ज्यादा जाना माना चेहरा पाकिस्तानी थिएटर का, जनाब नसीम विकी। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एक्टर और साइकोलॉजी पढ़ रही हैं आप, मोहतरमा वशमा फातमा। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों गेस्ट बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं सर, और शेर भी मैं ऐसा चुन के लाया हूँ। अच्छा जी, आज के हालात पे वबा के मौसम में तबसरों की उड़ान कम हो तो मुस्कुराए। वबा के मौसम में तबसरों की उड़ान कम हो तो मुस्कुराए। फजा में दहशत की सनसनी पर से ध्यान कम हो तो मुस्कुराए। बड़ी अजियत के दिन है यारो के यार यारों से दूर बैठे। बड़ी अजियत के दिन है यारों के यार यारों से दूर बैठे। बड़ी कयामत का फासला है, अगर ये कम हो तो मुस्कुराए। अगर ये कम हो, जेकर फन की औखड़ तो फनकारा चक्या जांदा, पलकां नाल शीशे उत्तों पारा चक्या जांदा, चंगा सी ये वेला वेखण तो पहला ही मर जांदे, हुण जख्मां कोलों फंबियां दा नहीं भारा चक्या जांदा। हाय 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 हाय, क्या कहने। देख कर दिल का वीरान खंडर जग गया है, हर तरफ ये नगाड़ा बच गया है। ये बात हम दिल से कह रहे हैं विकी भाई, आपके आने से मुज़ाकरात सज गया है। ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। और वासे भाई आपका तो माशाल्लाह, क्या प्यार नहीं है? आपने पॉज लिया तो शायद आप खुद भी कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं नहीं, आपका ज्यादा प्यार है माशाल्लाह। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। जबरदस्त। ठीक है, ये बताएं सर, राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर ली, एक्टिंग तो आप कर ही रहे थे, जो आपका पहला क्लेम टू फेम मैं कहूंगा पाकिस्तानियों के लिए बना, विच वॉज फैमिली फ्रंट। हाँ जी, ठीक है जी। एकदम एक लड़का आया बीच में, सारे टीवी के एक्टर उसके अंदर थे, जो कि जिनका पहले समीना अहमद जी, सबा हमीद, वसीम अब्बास साहब, अंजुम शहजाद उस वक्त नए थे, और मीरा हाशमी उस वक्त आई थिंक नई थी, और उसको दरूज नासिर आई थी, मगर एक बीच में आपका कैरेक्टर जो आया वो ऐसा आके स्टैंड आउट किया कि लोग सारे फिर ये जानना शुरू हो गए कि ये कौन है खुशिया। और फिर खुशिया के बगैर फिर वो अपना फैमिली फ्रेंड जो था वो कंप्लीट नहीं था, जब तक उसने आके कोई अपनी ऐसी बात नहीं बताने को, इशू नहीं देना, वो चलता नहीं था। एक ऐसा स्टॉक कैरेक्टर बन गया था जो कि हर एपिसोड में आपको इंतजार होता था कि खुशिया कब आएगा। हाँ जी, वो फैमिली ऐसी थी, वो एक बेवकूफ़ फैमिली थी,
जिसमें उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता था, तो खुशी के अलावा उनके पास हल कोई नहीं था। उसमें एक सुंबल जो मुझसे पूछती है कि मुझे एक सनद चाहिए, तो कहता कि मैट्रिक की सनद के साथ मैं आपको 5,000 रुपया लूँगा आपसे, और साथ में आपको एक मिडिल की जो है सनद फ्री में दे दूँगा। अगर आपने बीए की सनद लेनी है फिर आपको मैट्रिक की सनद जो वो फ्री में दूँगा, इस तरह के ऑप्शन देता है। तो कहती यार खुशिया तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम काम क्या करते हो? कहता बीबी जी दुनिया में अल्लाह ताला ने हर बंदे के हिस्से के बेवकूफ़ पैदा किए होते हैं जिससे उसका रिस्क चलता है, पैसे दे। ये बड़ा डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का भी, डॉक्टर साहब तो क्या बात, बिल्कुल। और सर उसके बाद आप वापस जब थिएटर गए तो मेरे ख्याल से नसीम विकी बदल चुका हुआ था। वासे भाई आपको पता है मतलब आप इस काम को बहुत अच्छे से मतलब कर भी रहे हो, लिखते भी हो, आप इसको अच्छे से समझते हो कि जब तक आप अपनी ट्रिमिंग नहीं करोगे, मतलब आपके बाल बढ़ जाते हैं, आपको काटने पड़ते हैं, नाखून काटने पड़ते हैं, इस तरह शख्सियत और आपका काम भी इसी तरह की तब्दीली मांगता है। जब तक आप अपने अंदर दोबारा से तब्दीली ना लेकर आए, पहले जैसा आपने नहीं रहना, आपने बेहतर से बेहतर करना है, वो जुस्तजू जब तक नहीं होती आप अपने आप को बेहतर कर नहीं सकते। एक बड़ी यूनिक चीज़ जो कि मुझे आपके बारे में लगती है, ऑफकोर्स कम लोग होते हैं ऐसे जो कि डायरेक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं और फिर एक्टिंग भी करते हो। हमारे पास बाबू बराल साहब रहे, अल्लाह जनरल नसीब करे, सुहेल अहमद साहब ये करते रहे, खालिद बासदार साहब ने कुछ अर्सा ये किया था, और फिर आपने थिएटर के अंदर ये बहुत किया और अभी तक कर रहे हैं माशाल्लाह। हर आदमी एक्टर नहीं होता, मगर फिर एक्टर के साथ जो राइटर होता है ये एक बड़ी यूनिक चीज़ जो कि आपके पास रही है, प्लस पॉइंट हो जाता है। ये मालिक की जो देन होती है ये आदमी के लिए एक अच्छी चीज़ प्लस पॉइंट हो जाता है। नहीं मगर आपने बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी की है इस अपनी एबिलिटी को, आज तक आप कर रहे हैं माशाल्लाह, इतना काम आपने लिखा है जो थिएटर के अंदर और उसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें की हैं वो बड़ा एक सक्सेसफुली आपने इस चीज़ को अपनी इस क्वालिटी को एनहांस करते रहे अभी तक। हम तो फिल्म भी लिख रहे हैं, तुसी किराने की दुकान पा लो। तो ये मेरे को येलो लेबल भी है, ब्लैक कॉफी भी पई है। अब तुसी आटे दी बोरी बन के बैठे हो बेटा, जेडी दुकान कहोगे वही सौदा बनोगे। मगर ये एक बड़ी जबरदस्त चीज रही है जो क्या है, मस्ट कमेंट। वैसे भाई मैंने प्योरली जो थिएटर ने लिखा है ना वो मैंने बाय गॉड, ये मतलब मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने लिए नहीं लिखा, मैंने थिएटर की बेहतरी के लिए लिखा है। क्या बात, मैंने दूसरों के लिए किया है कि यार इसमें जो दूसरे लोग हैं कम अज कम थिएटर खत्म नहीं होना चाहिए, वरना मैं मतलब पाकिस्तान में वहाद एक्टर हूँ कि आज मैंने अगर हिंदुस्तान के अंदर काम किया है शाहरुख खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, करीना के साथ, फिर अगले दिन आगे मुझे गुलफाम के साथ भी कल्पना पड़ा, इमरान चौकी को भी भुगतना पड़ा, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं देखा। मैंने प्योरली थिएटर के लिए किया है कि थिएटर जो है हमारा बेहतर हो, क्योंकि ये वो एक बेस है जिससे पूरी दुनिया ने फायदा उठाया। बिल्कुल अमानुल्लाह इस काम के मैं उनको ना एक्टर कहता हूँ, ना कॉमेडियन कहता हूँ, ना लेजेंड कहता हूँ, वो साइंसदान थे। वाह 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 वाह, वो आइंस्टाइन थे थिएटर के, बिल्कुल, जिन्होंने ये चीजें इजाद की। दुनिया का कोई भी बंदा कॉमेडी करे, पंच लाइन की मुशाहदे की बात करे, वो अमानुल्लाह से बाहर नहीं निकल सकता। उनको टच किए बगैर, उनकी बात से बात लिए बगैर वो आदमी सर्वाइव कर ही नहीं सकता। वो झूठ बोलेगा जो बंदा कहेगा कि मैं खुद कॉमेडियन हूँ, खुद से करता हूँ, कोई इख्तरा नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। आपकी टाइमिंग हो सकती है, बात आपकी नहीं हो सकती, बात आपकी अमानुल्लाह की रहेगी। पुष्पा जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस तरह से उनको वेलकम किया एक शेर के साथ, अब मुझे घर से निकल के भी सेल्फ आइसोलेटेड फील हो रहा है। अच्छा, ओए होए होए, वाह वाह, क्या आपको इस चीज का गिला है कि शेर आपके लिए क्यों नहीं को पढ़ा गया? गिला आप दूर कर सकते हैं। आप कोई शेर सुनाना चाहेंगे? दो मिनट से अपने अंदर दे सिद्धू जी, अगर अगर देखिए उन्होंने गिला किया आज पहली दफा गैस ने। सर आज गैस भी देखो ना, मेरा गिला ही आज बढ़ना है। अच्छा उन्होंने होमवर्क ही मेरा किया था। बताइए ना कुछ शेर तो देखिए, एक शेर हो जाए। चलो अकरम, कोई नहीं, चांद भी चांद से होती है। आप शो देखती हैं वशमा? जी बिल्कुल देखती हूं। तो आपको आइडिया है शो के बारे में ना? या एग्जैक्टली, तो इसलिए शायद आपने गिला भी किया कि इन्होंने आज स्पेसिफिकली आपसे क्यों नहीं है। हां जी माशाल्लाह, मेरी शादी हुई, मेरे तीन बच्चे भी नहीं। अगली लाइन, अगली लाइन, मेरी शादी होगी, मेरे तीन बच्चे हैं और मेरे गुर्दे च पत्थरी, मेरी मदद करो यार। नहीं मजाक कर रहा था, शादी का इशारा अपने गुरुपत की तरफ है। जी शेर में शायरी कहना चाहते हैं, ऐसा करें आप मेरा गिला दूर कर देना। आजकल राशन का मसला हुआ है, अपने किराना स्टोर का एड्रेस दे दिया। आप किराना स्टोर के अंदर बैठी हुई है और मैंने क्या एड्रेस दे दिया है? कानून ने क्या कि बुज़दार साहब के कजन बैठे हैं। मतलब वासे चौधरी साहब ने अपने, आपको पता है इंटरेस्टिंगली आप साइकोलॉजी
साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। ये सेमेस्टर। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये साइकोलॉजी का इंटरेस्ट स्पेसिफिकली क्यों? साइकोलॉजी का इंटरेस्ट इसलिए कि मुझे ह्यूमन नेचर को समझना अच्छा लगता था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ऐड समथिंग प्रोफेशनल। तो अब जो आपने समझ लिया है, समझने की कोशिश की, तो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता? नहीं, आपने कहा ना था अच्छा लगता था, तो पहले अच्छा लगता था, अब प्रोफेशनली समझ सकती हूँ, अब वो अपने से राय नहीं देती कि ये है ये। अच्छा, तो क्या समझ रही है, आपने क्या अंदाजा लगाया इनके बारे में? वो मेरी तरफ से ये कमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब कंफ्यूज हो गए। नहीं, अच्छा। आपने एकदम जो कह दिया कि शेर सुनाए, आपको ये भी अंदाजा नहीं था ये कौन सा सुना देंगे। नहीं, वो जैसा वो असल में सिर्फ देखती रहती है ना शो, उनको पता था कि इनकी तबीयत किस किस्म की है, वो आज इसलिए आज मेरी तबीयत ठीक करने वाले डॉक्टर आए हैं ना। आप घबरा के आप नहीं कर पा रहे? सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता, हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, उधर जल्दी ही जल्दी है इधर आहिस्ता आहिस्ता। वाह वाह, क्या बात, जब वायरस खत्म होता ना कोई कन्वेंस महंगी लें कोई। क्या बात है, तो कुछ इस्तफादा हुआ? जी, अब हो गया। चलें, जबरदस्त आपने फाइनली समवन टू द रेस्क्यू। हाँ, तो आपने उनका कोई गिला तो खत्म किया आपने। मगर वैसे ही बताएं, आपके साथ होता है कि आप नॉर्मल लाइफ में भी अपने दोस्तों से मिल रही हो या किसी से मिलती हो तो आप साथ ही उनको साइकोलॉजिकली एनालाइज करना शुरू कर देती हैं अनकॉन्शियसली? नहीं, नॉट रियली। और यू कैन कंट्रोल इट कि मुझे पता है मैंने कब करना है कब नहीं करना? हाँ जी, एग्जैक्टली। क्योंकि तो बड़ी एक तकलीफ की बात है कि अगर आप ये चीज पढ़ लें और आपको इंसानों के बारे में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि क्या सोच रहे हैं, किस किस्म का इंसान है। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि आप जितना भी पढ़ लेना, आप थ्योरेटिकली लोगों को नहीं समझ सकते जब तक आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते लोगों के साथ, तो आप यानी इस तरह बात नहीं कर सकते, उसके लिए फिर भी आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है टू जज। नहीं, एक्सपीरियंस के एक होते ना एक तजस्सुस आपके अंदर हो जाता है, जिस तरह अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो किसी और आर्टिस्ट को देखता है तो एक इंसान वैसे ही एक आपकी हिस जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है उस इंसान की तरफ। तो इसी तरह कहीं पे आपको लगे कोई अजीब सी किसी ने बात की तो आपको कि यार ये इंसान ऐसे बात क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होता? मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों की प्राइवेट स्पेस में इंट्रूड कर। अच्छा, ये नहीं, वैसे क्या सोचा क्या जिंदगी में कि कैसा आपकी जिंदगी में लाइफ पार्टनर? वो ये सोच रही कि क्या सोचूं जी, वो जानना चाह रहे हैं आपके लाइफ प्लान्स। फिलहाल तो मैं वर्क पे ज्यादा फोकस्ड हूं इस वक्त, लेकिन ये कि रिलेशनशिप में मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रिस्पेक्ट, फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट, और फिर बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं। रिस्पेक्ट की बस खावन तड़े पैरों ना तला के काम ते जाया करें। नहीं 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 नहीं, अक्सर लोग ना कंफ्यूज करते हैं लव को रिस्पेक्ट से, तो आई थिंक कि प्यार बाद में आता है, रिस्पेक्ट पहले आती है। अगर कोई आपको इज्जत नहीं दे सकता तो आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। सलूट मार के फिर जी ऐसा बात है। ये तो होगी नेचर की चीजें कि भी अच्छा हो, रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन कभी अगर अरेंज मैनेज करनी है तो आपको पहले तस्वीर देखनी पड़ती है कि आप शादी, तो पहले जरा बताएं कि लुक वाइज कैसा हो, कि टॉल हो, हैंडसम हो, या मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ कोई ऐसा बंदा है कि नहीं? मेरा ख्याल है एवरेज ही हो। रसीद सब बड़े रेगुलरली देखते लगता है इसे। एवरेज ही हो, वरना बाकी लड़के उससे बचाती फिरूंगी मैं सारी जिंदगी। मगर ये नई थ्योरी दी है इन्होंने, ये उन्होंने कहा मुझे बहुत गुड लुकिंग नहीं चाहिए, एक एवरेज इंसान हो, वरना भी खतरा लाहक रहेगा आपको। सही बात है ना, मैं जिसको डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। नहीं, यहाँ तो नहीं, मगर वो देखिए बड़ी थ्योरी आपने। अच्छा, तो एवरेज लुकिंग होना चाहिए। गंजा हो या नेचुरल बाल हो या लगवाए हैं? गंजा होगा तो अमीर होगा, लेट मी थिंक, इट्स अ टफ वन। गंजा हो या बाल लगवाए हो, अटैक दोनों पे। नहीं, उसने कहा कि अपने भी हो चाहे, वो तीनों ऑप्शंस उसने दे दी हैं, जो तीनों एग्जाम दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है। मैंने अपने चांसेस 100% रखे हैं। दाढ़ी कलर कीती होवे। अच्छा जी, आप बताइए जी प्लीज। तो एवरेज हो? एवरेज हो, मतलब कैसा एवरेज हो? ऐसा एवरेज हो, ऐसा एवरेज हो, ये कैसा एवरेज हो? शुक्र कर इतने कुड़ियां ने बह के गल्लां करन, बाहर चिंची वाले ने लड़न दिया, 10 रुपए घट ने फिर ले ली यार, 10 रुपए घट। तुसी कीता उधार, तुसी ले की ऐ दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो बादशाहियों के जमाने किधर गए, हाय जहाज भर के वो दौरों पे निकलना, अयाशियां वो दौर सुहाने किधर गए, तफसील असासों की जो आती ना सामने, चलता ना पता कौमी खजाने किधर गए, हाय आ। आजकल आप जाके इनके ऊपर छींक मारते, देखे कैसे भागते हैं। जो आजे मुंह ते मेरियां निछां।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नसीम साहब, आपने इंडिया जाके कपिल शर्मा के साथ जो बिगिनिंग थी वो की शो की, जो उसके पहले आई थिंक 4 years back 2013-14 में, 13-14 पाँच छः साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले आप गए थे एंड यू वर पार्ट ऑफ द कपिल शर्मा शो एज वेल। आपने शुरू के अंदर जो थे आप उसके अंदर होते भी थे और आप लिखते भी थे। मैंने पहला जो एक शो था वहाँ पे लाफ इंडिया लाफ मुकाबला किया था, वहाँ पर वो जीता था। फिर उसके बाद मैंने उनको एक आइडिया दिया था थिएटर करने का, इंडिया वालों को थिएटर करना नहीं आता था, थिएटर का आइडिया मैंने दिया था कि आप लोग ये करें। उसके बाद मैं वापस आ गया तो उन्होंने शुरू कर दिया कॉमेडी नोटंकी थिएटर के नाम से। अच्छा। जिसमें शक्ति कपूर साहब, रंजीत साहब, कामया पंजाबी, सुमित राघवन पांडे, ये सारे लोग थे, बहुत बड़ी कास्ट थी उनकी। तो पहले 4 एपिसोड के बाद उनको समझ नहीं आई, फिर मैं एज राइटर वहाँ पर गया। एज राइटर गया तो जाके उनको समझाया कि आप लोग इसको गलत कर रहे हो, थिएटर में आप कट ज़्यादा कर रहे हो। अच्छा। थिएटर में इतना कट नहीं होता, थिएटर जो होता है इसको लंबा चलाना पड़ता है ताकि पंच लाइन की समझ आए। उन्होंने उस चीज़ को मतलब समझा, फिर उसके बाद मुझे फिर एज डायरेक्टर एज राइटर रख लिया उस शो का उन्होंने, फिर उस शो का मैं एज एक्टर भी हिस्सा बन गया। फिर तकरीबन मैंने 22-23 एपिसोड उसके एज राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर किए। फिर उसी प्रोग्राम के दौरान कपिल शर्मा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि भाजी थोड़े ना खाना खाना जे किसी होटल चल के। होटल में चले गए जाके वहाँ पर मीटिंग, क्योंकि मैं एक शो शुरू करना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। फिर वो होटल मेरे पास आया तो उसने मुझे बताई कहानी। मैंने कहा ये तो आप मेरा ही शो मुझे बता रहे हो, मस्ती गेट जो मैं कर रहा हूँ। तो कहता भाजी शो ही है ये, सिर्फ आपका काउंटर हटाना तो बाकी फैमिली घर के उस तरह ही तुरे फिरे वो अपने पंजाबी अंदाज में, तो आपने मेरे साथ इसमें हेल्प आउट करना है। तो फिर उसके साथ मैंने पहले जो 20 एपिसोड थे हमने उसको बहुत अच्छे से प्लान किया, लिखा उनके साथ मैंने मिलके लिखा, और तकरीबन पहले 20 एपिसोड तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो अपनी ही सारी काविश थी। पहला एपिसोड जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर पंजाबी बहुत ज़्यादा लोग थे, मतलब सिद्धू भाजी पंजाबी, मैं पंजाबी, कपिल शर्मा पंजाबी, और अपना पासना सिंह वो पंजाबी, डायरेक्टर पंजाबी, तो वो कोई आ नहीं रहा था उस शो के अंदर। तो कहता पाजी शो के अंदर तो कोई गेस्ट नहीं आ रहा। फिर धर्मेंद्र साहब के घर गए। अच्छा। उनको जाके कहा कि जी हम पंजाबी हैं तो इसलिए हमारे शो में कोई आ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तो कोई फिल्म ही नहीं आ रही, मैं किस तरह आ जाऊँ। वो कहते जी फिर देख लें। अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर जॉनी लीवर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं सुनील शेट्टी को ले आता हूँ। तो सुनील शेट्टी को ले आया तो मुझे कपिल ने, जब हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया, तो कहता भाजी दुआ करो कि अपनी रेटिंग जी है ना 2 पॉइंट आ जाए तो आप शो सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं तो भाजी कहता कोई आ नहीं रहा, शाहरुख ने भी इनकार कर दिया तो बाबा रामदेव ने भी इनकार कर दिया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत जोर लगाया उसमें, मतलब कपिल ने सीखा भी बहुत, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी उसने सीखी। फिर उसके बाद मुझे कहता मुझे काउंटर मारना सिखाएं कि जब ऑडियंस में से कोई जुमला आता है तो उसको काउंटर कैसे करते हैं। फिर मैं उसके साथ खड़ा हो जाता था कपिल के अंदर बात दे के, जब उसकी आती थी मैं उसका रिप्लाई देता था, फिर उसके बाद वो सारे जुमले कपिल को दे देते थे कि आप वो वाले बात करो। मतलब दीपिका वाला एक प्रोग्राम था, शो था, उसके अंदर वो आदमी पूछता कि दीपिका जी आप घर में भी काम वाम करती हैं, तो मैंने उसको कहा कि बेटा इतना काफ़ी नहीं कि तू शो च आ गया, तू दीपिका कोलों वेख ली, हूँ तेरा दिल कर रहा है कि तेरे घर भी बैठी हो तो तेरा दिल कर रहा है तेरी बाँह भी मरोड़ी हो तेरा दिल कर रहा है तो पकाया की है। दीपिका डरती डरती कहे जी बैंगन, मतलब तू इतना ज़्यादा क्यों अपने ख्वाहिशात बता ली हैं। इस तरह की उसको फिर मैंने समझाई तो उसने बहुत जल्दी उसने पिक भी किया। फिर जब हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड करके उसको ऑन एयर चला गया, थर्सडे को उसकी रेटिंग आनी थी, 2 पॉइंट सोची हुई थी। तो मुझे उसने फ़ोन करके कहा कि पाजी आ जाओ पार्टी है, तो हम चले गए वहाँ पर। कहता पाजी तुम्हें पता रेटिंग कितनी है, मैं कितनी, कहता 3.7 पहले एपिसोड की। फिर चेन्नई की जो प्रमोशन थी, शाहरुख खान का भी उनको खुद ही फ़ोन आया कि मैंने शो में आना है। फिर बाबा रामदेव का भी सबका, फिर आज वो मतलब कपिल किस तरह सर्वाइव कर रहा है वो आपके सामने। बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बात कि जब कामयाबी नहीं होती तो कोई आपके नाकामी के वारसीन नहीं होते, कामयाबी के बहुत से वारसीन होते हैं। ऐसा ही क्या बात है। वैसे कभी पहले नसीम की साहब से हुई हुई आपकी मुलाकात? जी कहाँ, हम काफी देर ऑफ स्टेज यही डिस्कस कर रहे थे कि पिछली मुलाकात में मैंने इन्हें देखा, इन्होंने मुझे नहीं देखा। सब मेरे साथ शो में बैठी थी तो मुझे याद नहीं। और बिल्कुल साथ वाली सीट पे। मुझे अपने आप पे बहुत रश का है कि यार मैं इतना शरीफ आदमी। अच्छा तो इनको याद ही नहीं था? हाँ बिल्कुल साथ वाली सीट पे थे और पूरा टाइम इनको फोन में देख रहे थे तो इन्होंने मुझे देखा। ये अक्सर शिकायत रहती है खवातीन को आपसे? नहीं 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 अक्सर नहीं रहती।
ये मतलब सडनली हो गया कि मुझे अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है अपने पे। एक प्यार इस बात पे आ रहा है कि मैंने इस तरह किया और गुस्सा इस बात पे आ रहा है मैंने क्यों किया। आई एम श्योर भाभी बहुत खुश हो रही होंगी ये सुनकर के। देखें वो तो इतने गुम थे उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ कौन बैठा होता है। नहीं असल में असर उसी का ही होता है, ये बीवियाँ ही बंदे को कंट्रोल में रखती हैं। लेकिन खौफ चल रहा होता है आपके पीछे जो आपको इन चीज़ों से मना करता है, वरना हम कहाँ मना होने वाले थे। लेकिन जितने मर्जी शरीफ हो जो बीवी ने शक करना ही होता है, तड़ते भी कभी शक शुक होया होगा? शक नहीं यकीन। शक जो होता है ना औरत अपने जहेज में लेकर आती है। अच्छा जी, कभी आपने खलील रहमान कमर के ड्रामे में काम किया? बहुत बार किया जी, फिल्में किया, काफ कंगना। अच्छा, आपके डायलॉग को सुनकर ही मुझे अंदाजा हो गया था। फिल्में देखती हैं आप पाकिस्तानी? हाँ जी देखती हूँ। सारी फिल्में देखती हैं? तकरीबन। लोड वेडिंग देखी है आपने? देखी है। कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा हाँ। क्या मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब क्या चीज याद है? मुझे ना सबसे अच्छा वो कैरेक्टर वो वाली चीज लगी जो वो कह रहा होता है ना बार बार के राजे ने कुछ नहीं किया राजे ने, और वो सारी खबरें भी फैला रहा होता है पूरे गांव के अंदर, वो वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। देखो कैरेक्टर फिर साड़ा ही चंगा लगा ना फिर। मेरे भाई ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। I'm good, how are you? You know, I am very disheartened these days. Really? Function koi hai nahi. Achha. Kidre khlo ke perform nahi kar sakde because sab kehnde ne bhi lokan da kach nahi karna. Bilkul. Because of corona. Uton fakira ne bagra ne meri jaan kha li. Bagra ne? Mera bua hi khadka ke kahi jande ne ke sanu kuch deo, rashan deo. Haan. I said, main te aap ghareeb aadmi haan. Haan. मैं ते परफॉर्म भी नहीं कर सकता, उत्तों टोलियां बना के आ जांदे ने। अच्छा। मैनू कहंदे ने तू साडे नाल चल। अच्छा। साडे नाल तू भी मंग। ओ। मैं क्या आई एम नॉट बैगर, मेरा ते परफॉर्मिंग आर्ट नाल तू अलग है ताल्लुक है। मैनू कहंदे ने तू कटा परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस ते असी करने हैं, असी चंगे पले फ्रेश करो निकलने हैं, ते रात नूं लोकां कोलों लखां रुपये लै के घर चले जाने। ओए होए। मैं कह जा तू फनकार है ते मेरे सामने कर परफॉर्मेंस, ओ ते एक सेकंड च चंगा भला बंदा ते एंड एंड हो गया। मैनू 30 रुपीस दिते ने। अच्छा। मैं कहा तुसी अपनी यूनियन बनाओ, मैनू तुसी प्रेसिडेंट बनाओ, असी जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गुफ्तो शुनीद करिए, रजिस्ट्रेशन एक दूजे जी करा के इन्हां कोलों मंथली पैसे लईए। बातो कहंदे ने असी रजिस्ट्रेशन कराइए, एक तैदी पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिता। ओही कही जा रहे ने अभी अंडर प्रोसेस है, अभी अंडर प्रोसेस है, पता नहीं कदों गवर्नमेंट ने राशन देना। खैर ये तो मैं नहीं जानता। सो कुछ प्लीज गिव मी जस्ट 300। अरे मैं कहां से दूं यार, मैं फिर मर जावा भूखा, मैं तो किधर जा भी नहीं सकता। नहीं नहीं यार मरने वाला सही है, काम कर रहा अच्छा। मैं दो तीन बारी ट्राई की, जहर ही जाली आ रही। जस्ट आई नीड 300, मैं सिर्फ एक टाइम दी। आज तेन 5-10,000 रुपए मिल सकता है। आओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, रुक जाओ, ओ वोटां पा के ते रुक जाओ। वो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। नहीं ते लगते पीटीआई दे रहे ने। नहीं मैं ते बराती भी ते देखे, बड़ी बहस करते ने, ए ते साइंस दे वजीर नहीं।
अरे फवाद चौधरी नहीं है। अच्छा तो फेस थे उनजते ही नहीं, ये नसीम विक्की साहब हैं, ये बहुत मशहूर एक्टर राइटर डायरेक्टर। आप इन्हां दी मैं फोटो देखी है बड़ी जगह ते बोझां दे उत्ते लगी थिएटर के बाहर बिल्कुल। दिस इज द गाय। हां तुसी नहीं सियासत करदे? नहीं मैनूं मना मॉडल है। अच्छा ना है तो जो कुछ निकलना है ना मैं कुछ पाना तो मैं तो एक गाना डेडिकेट यार ना विचरे किसे दा यार ना विचरे इस तो दादा झुकना कोई किसे छोड़ो यहाँ पे तुम जवाब अभी फौरी उनको जुगता ही लीला हाँ तुम मैं 300 जुगता दे दो मैं इन्होंने मुंह से मारा 300 जुगता जुगता कहने के नान लेना है तो नान बुझ के गल की बिल्ली का मंगेतर अगर अच्छी जुगत करनी तेरा मुंह इंजे जिवे मेरा मुंह मेरे पास आपके लिए आसान रास्ता है। आजकल आप जाके इनके ऊपर छींक मार दे, देखे कैसे मारते हैं। तो आज मुंह से मेरिया निछा Very nice. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੂਵ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वशमा ये बताएं आगे क्या फिल्मों का भी शौक है या सिर्फ ड्रामा वगैरह का ही है? मुझे कि सजेस्ट करते हैं सब लोग के पहले क्योंकि मैंने एक कर लिया है सिटकॉम किया जवाद बशीर साहब के साथ लीड कैरेक्टर था उसमें मेरा तो कुछ एक्सपीरियंस मुझे एक्टिंग का हो गया उसके बाद फिर मैंने टीवी सीरीज किए हैं स्टिल शूट्स किए हैं तो एवरीवन इज सेइंग कि गो टुवर्ड्स ड्रामास एंड देन टुवर्ड्स फिल्म। अच्छा एकदम से जंप ना लो। आपको है शौक वैसे? जी। किस किस्म के कोई एक्टर्स आपके पसंदीदा हों जिनको आप देख? फवाद खान जाहिर बात है ठीक है और उसके अलावा वैसे चौधरी बेटा नाम ना इस प्रोग्राम तो बाद अपना इलाज करवाना भाई आपने दो एक्सट्रीम्स बता दी हैं आपको बीच में कोई लड़का ढूंढे ये सीरियस जिंदगी गुजारना चाहती है एक तरफ फवाद खान दूसरी तरफ मैं हो गया बीच में कोई नाम बताइए मुझसे तो ऑब्वियसली सारे सीनियर है तो मुझे तो सबकी एक्टिंग ही अच्छी लगती है नहीं सबकी नहीं लग सकती देखें आप हम बताएं जो एक होता है आपको खवातीन के अंदर होता है कि यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती है अच्छा अगर खवातीन की बात करें तो माया अली इज माय फेवरेट माया अली ठीक है रियली लव हर ठीक है और महविश हयात की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है ये दो ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर महविश हयात और माया अली ठीक है तो यू वुड लाइक टू वर्क विद देम डेफिनेटली आई वुड लव टू जबरदस्त और फिल्में आपको कैसी पसंद हैं जिसमें आप खुद काम करना चाहेंगे जैसे परिहट लव थी रिसेंटली आई जिसमें थोड़ा सा एक्शन हो रोमांस हो लेकिन सीरियस स्टोरी लाइन हो समथिंग लाइक दैट परिहट लव के अंदर एक्शन कहां पे था जी तो स्टार ने डायरेक्टर ने क्या एक्शन वो एक्शन अच्छा यानी कॉमेडी जो है या हॉरर जो है डेफिनेटली ये दोनों मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती कॉमेडी और हॉरर नहीं अट्रैक्ट करती हॉरर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद बहुत डरपोक हूं तो मुझे बहुत डर लगता है ठीक है लेकिन कॉमेडी इज जस्ट फाइन ठीक है बट रोमांस इज द जॉनर दैट आई वुड लाइक टू वर्क फॉर ठीक 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 रोमांटिक फिल्म सर आप भी तो एक फिल्म बना रहे हैं अभी
जी, उसका जॉनरा क्या है? वो मेरी जो है वो कॉमेडी है। कॉमेडी फिल्म तो आपने कहा कि मैंने नहीं करनी अभी, रोमांटिक फिल्म। मैं इसलिए थोड़ा सा डिसाइड हो गया था, मैंने कहा ये तो मेरी फिल्म नहीं करेगी। हाँ, तो इसके बाद को रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तब? रोमांटिक जब मैं बनाऊंगा उस वक्त पता नहीं उसका माइंड चेंज हो जाएगा, फिर मैं कॉमेडी पे आई हूं। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई आ ही जाएगा जिस तरह के सवाल चल रहे हैं। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोट की है नसीम साहब आपके काम में, कि आप जो टाइटल रखते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये आपको कहाँ से सोचते हैं वैसे? नहीं, वो करंट चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा खेलता हूँ, जो चीज़ चल रही होती है उसी को लेकर के मैं मतलब ज़्यादा चीज़ें बनाता हूँ, मतलब माइंड मेरा उस तरफ ज़्यादा चलता है, तो उसमें ये होता है कि लोग जो हैं उससे जुड़ जाते हैं, उससे कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। जैसे देवदास थी, मैंने उसका एक बनाया था पैटर्न के देवदास अगर दूध पिए तो वो कैसा रहेगा, तो मैंने ये सोच के किया था कि चले बच्चे तो कम से कम नहीं खराब होंगे, मुझे देख के कोई पिएगा दूध ही पिएगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है आपका। हाँ जी, क्या आप अक्सर इस किस्म की चीजें सोचते हैं जो कि होती रेगुलर है मगर उसको आप ऑफ कर देते हैं? हाँ, मतलब उसकी एक शक्ल दूसरी होती है। देवदास फिल्म तुम बनाई उसे दूध पीता थे तो प्रोड्यूसर गुजर सी ये आप मजबूरी में लाफ्टर दे रहे हैं। लगता है कोई रिश्तेदारी का मामला है। चौधरी ने मुंडे तो की पता है गल चौधरी ने मुंडे नहीं पता है मजा की होंगे ना जमीन की होंगे। विकी भाई की कहानी जो होती है ना जिसमें लिंक बहुत पावरफुल होता है, हाँ। उसका वाइंड अप बहुत पावरफुल होता है और वो ज्यादातर मुझे ही बोलना होता है। अच्छा, ये आपने साथ ही क्रेडिट भी ले लिया, क्या ये सच है या ये भी बोल रहे हैं? इफ्तिखार ठाकुर ने जी बहुत काम किया मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत अल्लाह के ऊपर है कि इसका जो पहला ड्रामा था जो इसकी जिंदगी का ब्रेक बना वो भी मेरा ही ड्रामा था। अच्छा, रब्बा इश्क नौ। और ठाकुर को याद होगा कि जब इस ड्रामे में आया था मैंने इसको ये बात बोली थी कि आप इस ड्रामे में स्टार बनोगे और उसी ड्रामे में स्टार बनोगे। क्या बात है, यार तंग आ गया मैं सिलेबस तो, वर्क एट होम वर्क एट होम वर्क एट होम। अच्छा, हर बंदा मन कही जाना वर्क एट होम। हाँ, सवेरे बुजदार साहब को मैं गया। अच्छा, खले दफ्तर च बैठे, ओके, लैपटॉप से कोई काम कर रहे सब। हाँ, मैं सलूट मार रहा था लैपटॉप चढ़ के तो भर गए, मैंने कहा ना गो 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 वर्क एट होम। मैं कह सर वर्क एट होम सिपाही के मैं वर्क एट होम कर सकता? क्यों? मैंने कहा ना मुझे सिपाही नहीं चाहिए, मुझे पुलिस वाले नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, वर्क एट होम। मैं क्या बड़ी गल है जी, मैं हूं जाके नाका पट के अपने घर के बरांडे चला लू, मैं अपने बच्चों हाथ कड़िया ला के मंजी न बन दे, मैं हूं किचन हवालात बना देव, या मैं थाने तो लिटर ले जाके अपने साले पे टेस्ट करा, या हर पांच मिनट बाद मैं अपनी बीबी को कहा वो को खर्चा पानी ते ला। मैं सोशल मीडिया ते चोरां ते डकैतां नूं रिक्वेस्ट भेजा कि अल्लाह दे नाम च फड़े जाओ कि मैं वर्क एट होम करा। ये भी है भाई, बड़े दिन हो गए ने भाई, हर बंदे ने अपनी अपनी एहतियात कर ली है भाई, हुण बंदे नूं काम ते आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिदा भाई, सफाई का ख्याल रखण, हाथ ना मिलाउण, जप्पी ना पाउण, ड्रामा फैमिली फ्रंट मैं इन्हों का फैन हो गया। अच्छा, मैं कह इस बंदे नू फैमिली दे फ्रंट ते ही होना चाहिए यार, की ड्रामा कीता यार, ते हुण की काम कर रहे ने? यही काम कर रहे ने? नहीं, आजकल ते बंद ने ना थिएटर वगैरह। आप पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं। मामला किवें चल रहा सर? बस चल रहा जी। अच्छा जी, घर ड्रामा लाई रखते हो? नहीं, ड्रामा नहीं घर च लाई रखते, घर च ड्रामा बन के बैठे रही। माशाल्लाह मोहब्बत सीएनजी तुसी कमाल कर, मैं तो कोई 150 बारी वेखिया भाई, नहीं समझ आई भी गल कितों शुरू हुई यार, एडा जबर तुसी वेखे ड्रामा? नहीं मैंने नहीं देखा। तुसी वेखना भी ना। क्यों? ओ समझदार लोकां वास्ते ना, हुण तुसी वेखो ना, हुण किसे समझदार बंदे नूं बखा के ओहदे को सुन लो यार, बड़ी गल। वैसे यार
फनकार लोग इस टाइम कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल भाई घर बैठे बंदा बोर हो जाता है भाई, इन्हों का काम शाम वेख के बंदा थोड़ा दिल लगा रहा है। तो बड़ी गल अपने जो गरीब गुरबा लोग है उन्होंने खिदमत करते हैं, इस गलों मैं ये बंदा पसंद है। तो काम की करते हैं जाया नहीं जाए ना जी अजकल भाई, बिल्कुल बंद है जी। आप फिल्मों दूटिंग बिल्कुल फासला रखना है जी, कुछ दिन है एहतियात कर लो नाले। फनकारा का बड़ा वो होंगे है अपना की कहें बी जे पैगाम देंगे ने तो लोग सुनते हैं की कहें किस चीज़ के हिस्से कर रहे हो? घर सब्जी कट कट के आदत पै गई ना मैं तो सर नहीं सी चाहता भाई, हूं तो मैं बेहतरीन सब्जी भी कट लेना, पोचा मार लेना, बांडे धो लेना, गड्डी बड़ी अच्छी साफ कर लेंदे वड़ के दूसरे पास बाहर निकल ते अपना वशमल्ले साहब किवें वशमल्ले नहीं ओ वशमल्ले नहीं नहीं अपना आई डोंट माइंड सब यही कहते हैं मॉडल है ना। यस यार कमाल मॉडल नहीं मान से भी एस टाइम पर की कर रहे हैं मॉडलिंग ही कर रहे हैं हूं भी ओए पिछले डेढ़ महीने तो काम ही कोई नहीं कि तो घर मॉडलिंग कर रहे हैं यानी वर्क एट होम वो मॉडल है ते भी मॉडल ने ए केड़े ने मॉडल ए 76 मॉडल थैंक यू सर। हुण दसो मैं बाहर कैट हूं की करां दसो, मैं कुछ सोच के आपको बताऊंगा। ओके सर इजाजत है जी सर, जाओ सर आपको वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे, इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया? कैसर को देके कहूंगा इन नाल चोक ले। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट पे जा सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जवाब देना लाजिम है या इस तरफ या उस तरफ। ओके कौन पहले खेले? आप मुझसे शुरू कर अच्छा तो आप चाह रही है पहले खेलना? अगर मैं इनका कहता तो उन्होंने कहना नहीं इनसे खेलो। हाँ रिवर्स साइकोलॉजी। चलिए तो बचपन आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, तीन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान एजाज साहब। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी? हुमायूं सईद। किनको स्माइल देंगी? नुमान एजाज। और किन को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ, इन्होंने कहा। ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी दूसरी देख के आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, कैसर पिया, नसीम विकी और हुमायूं सईद। फवाद खान इट इज सॉरी। आप लोग इस बात में मजा लो कि उसने ये प्रोग्राम देखना ही नहीं। जी विकी भाई, चांद पर जाने के लिए आप एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठे हैं, साथ आपके दो सीट्स हैं उसके अंदर, एक पे आप बैठ गए हैं, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं चांद पर, लेकिन जिसको लेकर जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और हुमायूं सईद। शान तो इधर मिल ही जाता है, हुमायूं सईद नहीं मिलता। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चांद पर लेके जाना चाहते हैं, हुमायूं सईद आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं और आप वहीं रह जाएंगे। ये बताइए, मैं उसको कह दूंगा मेरे पास तुम इधर ही रहो। ठीक है, ये बताइए सर किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप ना उठाएंगे ना मैसेज पे जवाब देंगे बल्कि अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ठीक है जी, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नासिर चिन्योटी, जवाद वसीम और उमर शरीफ साहब। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? जवाद वसीम साहब। किन का फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? उमर शरीफ साहब। किन का फोन आए तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? नासिर चिन्होटी, उसके मैं घर चला जाऊंगा। नासिर चिन्होटी साहब आप हैं वो। ये बताइए सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक आपकी अपनी दूसरी देख के आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया। कैसर को देके कहूंगा इन नाल चोक ले। सही सर, एक को दे दिया है।
जैकेट तो एक है, एक को मिलेगी। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको। वशमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिग्री एंड योर करियर एज वेल। आ जाए ऑन भाई जल्दी से।